नमस्कार, स्वागत है वीके न्यूज एमपी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण चौहान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 5 महीनों का ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लाडली बहना योजना को लेकर जगह जगह जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उन्हें नेहले पे दहला दिया है। कमलनाथ ने कई अहम घोषणाएं की है, जैसे 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, साथ ही महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह भी देंगे। लेकिन अब कमलनाथ लगातार शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोल रहे हैं, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। क्या है बड़ी घोषणाएं और क्या इस बार कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देवास जिले के खातेगांव पहुंचे, वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने अपने भाषण में कई अहम बातें कही। कमलनाथ ने कहा कि मंदिर मस्जिद से रोजगार नहीं मिलेगा। कमलनाथ ने एक बार फिर शिवराज पर हमला बोला है, कहा है कि 18 सालों से बहनों को याद नहीं आई, महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश को नंबर वन बना दिया। आगे उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। 18 साल इनको हमारी बहनें याद नहीं आई, मध्य प्रदेश को नंबर वन बना दिया, महिलाओं पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश को नंबर वन बना दिया। अब जब चुनाव सामने आया बहनों की बात करने लग गए, रोज ये घोषणा करते हैं। ये केवल शिवराज सिंह जी घोषणा मशीन ही नहीं है, ये तो झूठ की मशीन भी है। इनका खाना नहीं हजम होता, इनका खाना नहीं हजम होता जब तक ये एक झूठ रोज ना बोले। आज पिछले 7 महीनों में रोज कोई ना कोई घोषणा है, कभी कर्मचारियों के बारे में 3.25 लाख करोड़, कितना 3.25 लाख करोड़ कर्जा ले लिया। किस चीज के लिए ये कर्जा लिया? मैं तो मानता अगर कहा कि कर्जा हम ले रहे हैं कि हम अतिथि शिक्षक को प्रबंधन करना चाहते हैं, हम आशा उषा कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहते हैं, उनका मानदेय बढ़ाना चाहते हैं। मैं मानता अगर आपने 3.25 लाख करोड़ कर्जा लिया, हमने नौजवानों के पास भी कुछ पहुंचता, पर ये 3.25 लाख करोड़ कर्जा का ब्याज देने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। और इस कर्जे का क्या किया पता चलाइएगा, बड़े बड़े ठेके दिए पिछले साल भर में, कितने बड़े बड़े ठेके दे दिए सिंचाई विभाग में, पीडब्ल्यू विभाग में, और 25% जो एडवांस दिया उससे अपनी कमीशन निकाल ली, कमीशन आ गई योजना जांच बाढ़ में। ये 3.25 लाख करोड़ का उपयोग इन्होंने किया है। किसका पैसा लूटा है, किसके नाम पर कर्जा लिया है? आपके नाम पर, आपके लूटा है। ये सच्चाई आपको पहचाननी है। आगे कमलनाथ ने कहा कि तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विरोध शुरू हो गया है और खालिस्तानी को लेकर। कमलनाथ ने क्या कहा आप भी सुनिए। हमारा देश में कितने धर्म है पूछिए, कितने धर्म है हमारे देश में, कितनी जातियां हैं? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने धर्म इतनी जातियां हो? हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं? हमारे देश में कितनी देवी देवता हैं? हमारे देश में कितने त्योहार हैं? कितनी विभिन्नता है, कितनी अनेकता है? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, इसलिए आज हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। आज इस संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में हिंदी का विवाद शुरू हो गया, पंजाब में खालिस्तान के नारे लगने शुरू हुए। सही बात है ना? ये हम कहां घसीटे जा रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया बाबा साहब ने, ऐसे देश को दिया जहां इतनी विभिन्नता और इतनी अनेकता है। बाबा साहब अंबेडकर का बना हुआ संविधान पूरे विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल करी, पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं?
आप इस संस्कृति के रक्षक हैं, आप इस संविधान के रक्षक हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे नौजवान के भविष्य के लिए आप इसके रक्षक हैं। ये आज हमारे सामने प्रश्न है, चुनाव के हैं, प्रगति के हैं, विकास के हैं, बेरोजगारी के हैं, कृषि क्षेत्र के हैं, पर साथ साथ ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने कि कैसा देश और कैसा प्रदेश आप चाहते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसके साथ ही कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कई अहम घोषणाओं का ऐलान किया है, आप भी सुनिए क्या है वो घोषणाएं। और शिवराज सिंह जी से मैं कहता हूँ, आप 18 साल का जवाब दे दीजिए, किस प्रकार आपने सत्यानाश किया प्रदेश का, हमारे नौजवानों के भविष्य को सत्यानाश किया। रोज कहेंगे रोजगार की बात करेंगे, मैं तो कहता हूँ शिवराज जी ये छोड़िए, जो रिक्त स्थान है इनको तो पहले भर दीजिए, ये रिक्त स्थान भी नहीं आ भरते। और कहेंगे मैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। शिवराज सिंह तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, तरह तरह की बातें करना। रोजगार के बारे में क्या मोदी जी बात करते हैं आजकल? किसान के बारे में क्या मोदी जी बात करते हैं? 2013 में कहते थे इतना मिलेगा, ये बात पुरानी हो गई, 15 लाख की बात, रोज हर साल 2 करोड़ नौजवानों को, किसानों को 50% नफा। मैं नहीं कहता था, मोदी जी और शिवराज सिंह जी कहते थे। पर 2019 में पाकिस्तान की बात करने लग गए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने लग गए, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। वो क्या राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाएंगे? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी इनके पार्टी में नहीं रहा और ये राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ाने आए। तो ये तस्वीर आप सबके सामने, ये तस्वीर आप सबके सामने, हम कहां ले जाना चाहते हैं अपने देवास का, अपने खाते गांव का, अपने प्रदेश का। शिवराज सिंह जी बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, ये भी कर दूंगा, इसका नियमितीकरण कर दूंगा, ये सब तो है बाद में होगा, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। गैस सिलेंडर आपको कितने में चाहिए? 500 रुपए में। अपनी बहनों को कितना देना चाहिए? 1500 रुपए मिलेगा। याद रखिएगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। ये पर इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा, आपको अपनी कमर टाइट करना पड़ेगा। भविष्य की रक्षा करिएगा, भविष्य की रक्षा करिएगा। और अगर आपने पूरे प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख ली, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई का साथ दे दीजिएगा। सच्चाई आप सबके सामने है, आप सच्चाई का साथ देंगे तो आप इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती लाएंगे और फिर से खाते गांव का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लड़ाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमलनाथ के इस बयान को लेकर, कमलनाथ की जनसभा को लेकर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए वीके न्यूज एमपी के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।